टेक टाइप YT की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मंसूर अली शाह, आप देख रहे हैं टेक टाइप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काइन मास्टर से अपने वीडियो में ग्रीन स्क्रीन का इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर बटन या फिर कुछ भी, आप ग्रीन स्क्रीन को कैसे मैनेज करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में आ जाना है, फिर यहाँ से एक एम्पटी प्रोजेक्ट लेना है, और फिर आपको सिंपल अपने वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ लेयर के बटन पर आना है। लेयर के बटन पे मीडिया दिखेगा, मीडिया में आना है, और आपको यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन जो भी आपके पास हो उसको यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन का इफ़ेक्ट आपको डेमो की तरफ से बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये एक्चुअली एक साइड सर्कल है, आप देखेंगे इसका साइड साइड से सर्कल बना हुआ है। तो इस चीज़ को किस तरीके से बनाना है तो सिंपल है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन स्क्रीन पे, और नीचे की साइड आएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे क्रोमा की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और इसको इनेबल कर दें। इनेबल करना है बस, और कुछ करना नहीं है। सिंपल आप इसको प्ले करके देख लें, आप देखेंगे चारों तरफ एक लाइन चल रही है। अभी इसी तरह मैं एक दूसरा वीडियो बना देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ से एक और लेयर पर गया और मीडिया सेलेक्ट किया, और फिर से यहाँ पर एक मैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट लगा देता हूँ। तो मैं इस चीज़ को, इसको आप छोटा बड़ा कॉर्प कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड में करता हूँ कि ज़्यादातर ये चीज़ यहाँ पे होती है, तो इस पर यहाँ अपनी अपनी तरह अपनी हिसाब से इसको मैनेज कर लेना कहाँ पे इसको लगाना है। तो सिंपल इस पर क्लिक करें और क्रोमा की के ऑप्शन पर जाएँ और इसको इनेबल कर दें, सिंपल है। उसके बाद फिर इसको प्ले करके आप देख सकते हैं, आप देखेंगे एकदम क्लियर और बेहतरीन तरीके से ये लग चुका है। अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, जैसे कि साइड साइड में थोड़ा ग्रीन और कुछ मतलब उसका दिख रहा है, तो इसको वापस क्रोमा में जाएं और यहाँ 50 और 28 का आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं ताकि आप एकदम अच्छी तरीके से उसको सेट कर पाएँ। तो ये रहा, आप देखेंगे किस तरीके से लग गया हमारा ये। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी मन में सवाल और सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।